गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल एके रिपेयर्स 9795 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जियो फ़ोन के बारे में, जियो एफ 220B, जिसमें हमें चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम कैसे सही करें, कहां से क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले ये चालू करते हैं कि हमारा चार्जिंग सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से कहाँ जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग कनेक्टर से। यहाँ पे हम अपना चार्जर लगाते हैं जो हमारा चार्जर 5 वोल्ट देता है। तो चार्जर हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट दे, यहाँ से लगाते ही यहाँ पे 5 वोल्ट देगा इस पॉइंट पे, और उसके बाद वो 5 वोल्ट हमारे यहाँ पे जाएंगे डायोड के आगे कॉइल लगी हुई है, और कॉइल की तरफ से ये OBP IC लगी है, जो कि IC हमारा किसी चीज़ काम करती है, जो भी हमारे ओवर वोल्टेज आते हैं उनको ग्राउंड में डालती है। उसके बाद में हमारा OBP IC से निकलने के बाद हमारा इस कैपेसिटर से जाता है जो एक तरफ से ग्राउंड है, और यहाँ से जाने के बाद इस कैपेसिटर पे आ जाते हैं। यहाँ भी हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे अगर हमारा ये सर्किट ओके है तो। उसके बाद में यहाँ से हमारे 5 वोल्ट जो पावर IC में इन हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ जिसमें हमें 4 वोल्ट 3.7 से 4.2 वोल्ट तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये 4 वोल्ट हमारे उस TP पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें NY डायोड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से होते हुए डायोड से होते हुए इस प्लस पॉइंट पे चले जाते हैं, यानी बैटरी के कनेक्टर पे। तो हमें जानना है कि हमारा ये सर्किट ओके है और हमारी लाइन हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो ये कहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, यहाँ से भी आ सकती है। ये जो पॉइंट दिख रहा है तो इस वाले इधर से 1, 2, 3 तीसरे पॉइंट से इस पे जम्पर मार दीजिए और दूसरे पॉइंट से इस पे। ये थर्मल आइडिया की लाइनें हैं, जो जब ये भी नहीं होंगी तब तक हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, कभी हमारा डायोड शॉर्ट होगा जिससे कि वोल्टेज नहीं मिलती है, लाइन शॉर्ट दिखाता है तो डायोड को निकाल देना है, या कभी IC शॉर्ट हो गई जिससे कि वोल्टेज नहीं मिलते हैं और मोबाइल चार्ज नहीं होता। अगर ये सब ओके है फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो हमें देखना है जो बैटरी कनेक्टर में BSI की लाइन होती है बीच वाली, BSI की लाइन पे देखना है कि 1.7 वोल्ट आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो भी हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। उसके लिए हम यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इसका टीपी पॉइंट है, यहाँ चेक करो रीडिंग आ रही है, वोल्टेज आ रही है नहीं। अगर यहाँ आ रहे हैं यहाँ नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से एक उठा के इस पे जम्पर मार सकते हैं, और अगर यहाँ पे नहीं आ रहे यहाँ आ रहे हैं तो इस वाले रेजिस्टेंस से यहाँ पे जम्पर मार दीजिए, आपका मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, नहीं आ रहा हो रहा है, तो फिर बैटरी के पॉजिटिव लाइन में ही गड़बड़ी है। तो हमें अगर यहाँ पर रीडिंग आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ आ रही है, तो फिर देखना है हमें कहीं लाइन ब्रेक तो नहीं हुई इसमें। तो आप TP पॉइंट से जम्पर मार के देख लीजिए इस TP पॉइंट से पॉजिटिव की लाइन पर, आपका मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ से वो एक जम्पर निकालेंगे और TP पॉइंट पे मारेंगे, आपका मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।